हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं विकास जैन विद्यासागर एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक कुछ नया करना चाहता हूँ। अभी जैसा कि कक्षा 11वीं और 12वीं की और 10th की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, खासकर जो क्लास 10th के और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने रहते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं जैसे 12th क्लास में देखा जाए तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो इनके लिए कम टाइम बचा है अभी से 1.5 महीना, और हम चाहते हैं कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें पेपर के लिए। तो उन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं टेस्ट सीरीज रखता हूँ अपनी क्लास में बच्चों की, और समथिंग ये मान लो आपके पर सब्जेक्ट 4 से 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उन सब टेस्टों में आपको बहुत से इम्पोर्टेंट कहना चाहिए जो MCQs होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप 5 से 6 टेस्ट अगर मेरे पास सब्जेक्ट लगा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप डेफिनेटली मतलब कहना चाहिए 70 में से, और मैं तो ये कहूँगा पूरे 100 मतलब 70 में से 70 नंबर का पूरा आपका आ जाएगा पेपर, ठीक है। हो सकता है मे बी 1 और 2 नंबर का कुछ पॉज हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा पूरे टेस्ट, और विद MCQs में समझा भी दूंगा उसमें टेस्ट में, जिसमें से फर्स्ट वाला मैं इसी वीडियो में इंक्लूज कर लूँ, ठीक है। तो आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कम से कम 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई पर ध्यान देना चालू करें, और कोशिश करें कि जो भी रिजल्ट निकलेगा, याद रखना वो सेल्फ स्टडी से निकलेगा। तो कोशिश करें कि घर पे ही जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन करें, कम टाइम है, कुछ स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट टेस्ट, बिकॉज आज ही कंप्लीट हुआ है ये टेस्ट हमारा फिजिक्स में। तो फिजिक्स को मैंने फर्स्ट जो 2 टेस्ट है उनको एक्चुअली 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग जो होगा उसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट तक का ही आएगा। कहने का मतलब स्थिर वैद्युत से लगा के, तुम्हारा स्थिर आवेश से लगा के, जो स्थिर वैद्युत आवेश से स्टार्ट होगा, और आप लोग का वो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है इनमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इन 5 यूनिट में जिनका आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम इफ यू सॉल्व माय क्वेश्चन पेपर, ओके। सो लेट्स बिगिन द न्यू थिंग फॉर आवर ब्राइटर रिजल्ट, ओके।